ये भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335। स्कंध कितने हैं? 12, द्वादश। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई पता है आपको? किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को ये भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाएं, अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती है, पता है वहां पर ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? अहमेवास्मेव अग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतत् च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। रतिर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महान्ति। 4 श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी, अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी बात, तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के।